आज की स्टूडियो में देखने वाले हैं कि फ्री म्यूजिक कॉपीराइट कहाँ से डाउनलोड करें, क्योंकि हमारी जो हम जो वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, हम जो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना चाहते हैं वो कहाँ से डाउनलोड करें, क्योंकि हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं अगर कोई भी म्यूजिक तो हमें कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, तो हमें वो ना, इसलिए हम इस वीडियो में वो देखेंगे कि कहाँ से डाउनलोड करें। तो चलिए इतना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इतना कहना चाहेंगे कि आप अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बस देखिए, शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, वो आपने फोन में ओपन कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो उसके बाद देखिए आपको आपके बटन पे जाना है सीधा, ये लोगो पे, उसके बाद उस पर क्लिक कर देना है। यस, फिर इस पर क्रिएटिव स्टूडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आपके सामने ओपन होगा तो ये देखिए यहाँ पे आ जाइए, इधर लेफ्ट साइड पे, तो ऊपर ये डैशबोर्ड है, वीडियो मैनेजर है, लाइव स्ट्रीमिंग कम्युनिटी है, चैनल है, उसके नीचे है, फिर उसके नीचे सीधा आना है हमें क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे आएंगे तो क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आपने क्रिएट पे क्लिक किए तो आपके सामने बहुत से म्यूज़िक ओपन हो जाएंगे, जैसे आपको इसमें से जो भी चाहिए आप यहाँ पे बजा के देख लेना। बजाया है ले सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल से फ्री म्यूजिक अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, कोई आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये म्यूजिक पॉलिसी भी है इधर इसके नीचे। ये जिस सॉन्ग नॉट अवेलेबल बता रहा है तो ऊपर ही जाना है हमें। देखिए, और आपको यहाँ से कुछ सर्च करना है, अगर आपको कुछ है फेवरेट म्यूजिक तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, सर्च म्यूजिक, अगर नहीं है तो यहाँ पे इसमें देखते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। इस हिसाब से आप बिल्कुल से इस नई से डाउनलोड करने के लिए आपको ये डाउनलोड बटन बता रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।